मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद द्वारा हाथ धोने व सफाई करने के संकल्प के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया गुरुवार को हैंड वॉश डे के अवसर पर नगर पालिका चौराहे पर उप जिलाधिकारी अंकु श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी अभिषेक राहुल के नेतृत्व में हाथ धोने व स्वच्छता रखने का संकल्प लेते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया इस मौके पर उप जिलाधिकारी श्रीवास्तव ने कहा अधिकतर हम सभी के हाथ ही खुले रहते हैं और जो भी काम करना पड़ता है उसके लिए हाथों का ही सहारा लिया जाता है जिससे हाथों में बैक्टीरिया ज़्यादा होने की संभावना होती है हम कहीं भी जाएं या आए कुछ खाने पीने के पहले कम से कम साबुन से दो मिनट हाथ ज़रूर धोएं आज पंद्रह अक्टूबर दो हज़ार बीस को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए आज जो विश्व हाथ को धुलने का जो दिवस है वो बहुत ही जरूरी है सभी के लिए क्योंकि जितने हमारे हाथ सुरक्षित रहेंगे उतना ही हमारा जो कोरोना है वो हमसे यहाँ से दूर रहेगा हमारे यहाँ पे मौरानीपुर नगर पालिका में हमारे सी ओ साहब के साथ में और ई साहब के साथ में इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया यहाँ पे जितने भी गुजरने वाले लोग हैं सभी का यहाँ पर हाथ धुलवाया जाएगा और सभी से ये अपील की जाएगी कि जितना सुरक्षा हो सके उतनी कोरोना से अपनी करें अपना भी खुद का भी, भी बचाव रखें अपने पूरे परिवार का बचाव रखें और समाज का बचाव रखें क्षेत्राधिकारी अभिषेक राहुल ने कहा कि देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है इसके बचने के लिए सोशल डिस्टेंस मुंह पर मास्क व हाथों को बार बार सैनिटाइज करना अथवा धोना अनिवार्य है तभी इस महामारी से बचा जा सकता है इस मौके पर अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार नंदकिशोर रावत आशीष कौशिक छगन राजपूत आनंद विश्नोई सुनील शर्मा सतीश साहू गौरी शंकर वर्मा सौरभ सोनी अभिनव श्रीधर अमित तोमर अंकित पटेरिया विवेक तिवारी अंकित राजपूत सुमित गुप्ता मोहित महेंद्र आदि सहित नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे बहूरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट